सुनिए राजकुमार दाग की लिखी झलकी, हुक्म मेरे आका, निर्देशक विष्णु दत्त जोशी। लीजिए, अब तो आपके सब दोस्त चले गए खाना खाकर। अब बताइए किस खुशी में दी थी इन चारों को दावत। भाई वाह, मजा आ गया खाने का। तुम खाना क्या बनाती हो डार्लिंग? मैं बस पूछ रही हूँ किस खुशी में दी थी। ओ शीला, भाई बता तो दिया कि ये दावत प्रमोशन के सिलसिले में थी। अब तुम पूछोगी कैसी प्रमोशन, कौन सी प्रमोशन? तो सुनो मिसेस शीला मुरारीलाल, ये दावत मैंने प्रमोशन न मिलने की खुशी में दी थी। प्रमोशन न मिलने की खुशी में? हाँ, अरे जिस कुर्सी पर आजकल हम विराजमान हैं, वो काफी नरम और आरामदेह है। प्रमोशन वाली कुर्सी तो डार्लिंग बिल्कुल सूखी और कड़ी है। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा छल फरेब? कहा था कि आप एक खुशखबरी सुनाने के लिए दोस्तों को दावत खिला रहे हैं। ठीक है, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इस घर की दासी नहीं। जो दावत आप खा के उठे हैं उसके बर्तन मैं नहीं मांजने वाली। आज के चार दर्जन बर्तन आप ही को साफ करने हैं। और हाँ, ये पुरानी गागर भी मुद्दत से मैली पड़ी है, इसको भी मांज देना, अच्छी तरह चमकाना। शीला, शीला, अरे अरे बाप रे बाप, क्या मुसीबत है। अरे ये घर है या पुलिस स्टेशन? मगर लगता है जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करूं? रसोई से, बर्तनों से या गागर से? मेरे ख्याल में गागर ही से शुरू किया जाए, काफी मैली है, बल्कि जंग भी लगा हुआ है। उफ, बाप रे, कितनी भारी है। ओहो, सॉलिड पीतल है, सॉलिड। और जोर से रगड़ना पड़ेगा। अब कुछ बात बन रही है। हुक्म करो मेरे आका। अरे ये क्या? हुक्म करो मेरे आका। आप कौन है? मेरा मतलब है कि आपकी तारीफ। मुझे नहीं पहचाना? मैं जिन हूँ। जिन? हाँ, अलादीन के चिराग का जिन। मगर चिराग का जिन गागर में? इसमें हैरानगी की क्या बात है? अगर आप झोपड़ पट्टी से निकलकर पक्के मकान में आ सकते हो तो क्या मैं चिराग से गागर में नहीं आ सकता? और फिर सच तो ये है कि चिराग की तंग जगह में मैं अकड़ गया था। हुक्म करो मेरे आका। कमाल है, इस तरक्की का भी जवाब नहीं। और इसका नाइट सूट तो देखो, वो लगता है बिल्कुल विदेशी है। हुक्म करो मेरे आका, क्या मजेदार नींद आ रही थी। मिस्टर जिन, क्या तुम सब काम कर सकते हो? बेशक मेरे आका, सब काम। क्या तुम, अब मेरा मतलब है, क्या तुम ये झूठे बर्तन भी मान सकते हो? मेरे आका, मेरा ख्याल है मैं जरूर हिंदुस्तान पहुंच गया हूँ। मतलब? मेरा मतलब है मेरे आका, दूसरे देशों के लोग भी मुझ पर ही आश्रित रहते थे, मगर अब लोगों में इंकलाब आ गया है। अब सभी देशों के लोग अपना काम खुद करते हैं अपने हाथ से। आका, मुझे लगता है कि इस देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपना काम दूसरों से करवाते हैं। हुक्म करो मेरे आका। मिस्टर जिन, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, और खुलने के बाद शर्म से झुक भी गई हैं। मगर ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मर्द हूँ और एक इज्जतदार। बस इन्हीं बातों ने तो लोगों को डुबा दिया है।
कि ये छोटा है और ये बड़ा। मेरा ख्याल है तुम्हारा काम मेरा हुक्म बजा लाना है, बहस करना नहीं। बस बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर, अब जैसा कहूँ वैसा करो। जो हुक्म मेरे आका। तुम मेरे कब्जे में हो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ये बर्तन साफ कर दो और रसोई भी साफ कर दो। जो हुक्म मेरे आका। कमाल है, अरे एक सेकंड में सारी रसोई चकाचौंध, सब बर्तन साफ और करीने से लगे हुए। वाह वाह, अरे क्या जादू है, बहुत खूब मिस्टर जिन, वंडरफुल, एट योर सर्विस सर। इतना बढ़िया काम और वो भी सेकंडों में, और पट्टा कहता है खुद मेहनत करो। हाँ तो मिस्टर जिन, इस वक्त तुम आराम करो, मुझे बहुत कुछ प्लानिंग करनी है। जो हुक्म मेरे आका। जियो गागर जियो। लो बेटा मुरारी लाल, तुम्हारी तो तकदीर ही बदल गई, घर नौकर और मुफ्त के गुलछरे और हींग लगे थे फिटकरी। अरे न इस घर में रगड़ाई करो और न दफ्तर में कलम की साई, भाई मजा आ गया है जिंदगी का। अब आने दो शीला को, उसके लिए ये बहुत बड़ा अचंबा रहेगा चंबा। अब जरा कुछ देर आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। मैं आपको रसोई साफ करने को कह गई थी और आप ड्राइंग रूम में मजे से लेटे हुए हैं। आपके हुक्म की तामील हो गई है मेरे आका। क्या मतलब? रसोई में खुद चलकर देख लीजिए। अरे ये रसोई तो एकदम साफ और हर चीज किस तरह चमक रही है, ये हुई ना अच्छे पतियों वाली बात। मगर इतनी जल्दी ये सब, ये क्या चमत्कार है जी? अरे चमत्कार ही तो है डाली शीला, हमारी तो किस्मत खुल गई रानी, बस हमारे हाथ में। हमारे हाथ में? अरे हमारे हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। अलादीन का चिराग? अलादीन का चिराग ही नहीं, अरे अलादीन की गागर। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं समझाता हूँ, इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये देखो ना, ये वही गागर है ना? है तो है? ये देखो, अब इसे मैं रगड़ता हूँ, अब देखना। हुक्म करो मेरे आका। डरो नहीं डार्लिंग, ये हमारा नौकर है, अरे बिना तनख्वाह का नौकर, हम इसे जो करने को कहेंगे ना वो करेगा। मिस्टर जिन तुम ऐसा करो, ये मेरे बूट पॉलिश कर दो। जो हुक्म मेरे आका। अरे ये बूट तो शीशे की तरह चमकने लगे, क्या चमत्कार है। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, तुम कोई चीज मंगवा कर भी देख लो, पलक झपकते हाजिर हो जाएगी। सच? हाँ बोलो क्या चाहिए। अच्छा क्या खाओगी तुम? जी तो करता है कुछ खाने की। हाँ? मैंने खाना भी तो नहीं खाया, क्या खाऊं? अच्छा अच्छा बोल, गप्पे खाऊंगी। अरे धक तेरे की, मांगा भी तो क्या मांगा, खट्टी चीज। अरे तुम कुछ मुंह मीठा करने वाली चीज मांगती, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, बर्फी, पेठा। अच्छा वही मंगवा लो ना। मिस्टर जिन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, बर्फी और पेठे, ये सब चीजें हाजिर करो। जो हुक्म मेरे आका। जय लीजिए मेरे आका। हाय राम, कितनी सारी चीजें हो एक सेकंड में। हाय तुम कितने अच्छे हो। वो तो हुई, मेरा मतलब है जेन कितना अच्छा है। अच्छा आओ शीला डार्लिंग, अब बैठकर प्लानिंग करें कि क्या काम ले और क्या कुछ मंगवाए हैं। मिस्टर जेन अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म मेरे आका। हमारी किस्मत खुल गई है। चलो सोचते हैं हमें क्या क्या चाहिए और आप देखते भी। बोलो। सबसे पहले
हम अपने मकान की मरम्मत करवाएंगे। लो बोलो, अरे मकान की मरम्मत करवाने की क्या जरूरत है, अरे उससे नया मकान ही मांग लेंगे ना। अरे हाँ, मैं तो समझी ही नहीं। अच्छा आगे लिखे। हाँ बोलो। मेरे लिए दो कांजीवरम की साड़ियाँ। अरे दो ही क्यों, दो दर्जन मंगाओ ना। अरे हमारा क्या जाता है भला। हाँ ठीक है, दो दर्जन साड़ियाँ। एक बुशर्ट अपने लिए भी लिख लेना। मेरे लिए सिर्फ एक बुशर्ट ही, ठीक है ठीक है। आगे लिखिए आगे लिखिए। हाँ लिखाइए। मेरी माँ के लिए विटामिन की गोलियाँ। अरे पहले ही क्या वो कम शेरनी है जो और ताकत। चुप रहिए। अच्छा अच्छा अभी तो झगड़ा छोड़ो, आगे लिखाइए। क्यों ना कपड़े धोने की एक मशीन भी मंगवा ले। हाँ हाँ ख्याल बुरा नहीं है। अरे कपड़े धोएगा भी तो जिन ही, तो कुछ उसको भी आराम देना चाहिए। अरे मैं कपड़े धोने की मशीन इतना जरूरत के लिए नहीं मंगवा रही, जितना पड़ोसियों को जलाने के लिए मंगवाना चाहती हूँ। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, जरूर मंगवाओ। और मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें मंगवा लें, फिर और सोचेंगे। जो हुक्म मेरे आका। मेरा मतलब है जैसा तुम कहो शिला डाली। अच्छा अब अपना जिन को बुलाओ भी। हाँ। ओहो अब क्या है? आप कौन? मैं मिसेस जिन हूँ, बोलो। मिसेस जिन? मगर हमने तो मिस्टर जिन को बुलाया था। मगर मैं पूछती हूँ, अरे तुम्हें कुछ पतिव्रत धर्म का ख्याल है कि नहीं? क्यों मेरे पति को बार बार बुला रही हो? अरे क्यों उनकी नींद खराब कर रही हो तुम? मगर वह तो चिराग का जिन है, उसका तो काम है। वो जिन है, इससे क्या हुआ, आखिर है तो मेरे पति ना। मैं पूछती हूँ, अपने पति के होते हुए तुमने मेरे पति से झूठे बर्तन क्यों मंजवाए, और अपने पति से भी क्यों? तुम खुद क्यों नहीं रसोई का काम करती? अरे जरा अपनी चर्बी की तरफ भी ध्यान करो, ये सब अपना काम खुद न करने का नतीजा है। लेकिन मिसेज जिन, ये बात तो प्राचीन काल से चली आ रही है कि जिस किसी के कब्जे में जिन हो वो उसे काम ले, और जितना भी जी चाहे काम ले। जी नहीं, दूसरों से मजदूरी कराने और बेगार लेने के दिन अब लद गए श्रीमान जी। अब सब पति और सब पत्नियां बराबर हैं, हर शख्स को अपना काम खुद करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पुरानी रीत के मुताबिक जिनको हमारा काम करना ही होगा। जी बिल्कुल नहीं, और इसका सबूत ये है। सब गुलाम आजाद, मिस्टर जिन भी गुलामी से आजाद? जी हाँ, अब सदियों के दबे कुचले गुलाम इंसान ही आजाद नहीं हुए, गैर इंसान भी आजाद हो गए हैं। क्या? जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट शीला डार्लिंग। मेरा ख्याल है मिसेज जिन ठीक कहती है। हाँ, हमें भी हालात के साथ बदलना होगा। इसीलिए तो कहता हूँ। क्या? घर के इस गुलाम को भी आजाद कर दो ना। अरे घर की गुलामी से तो मैं आजादी चाहती हूँ। मगर हम दोनों को आजादी मिल गई तो घर का काम कौन करेगा? तुम। नहीं तुम। तुम। अरे नहीं तुम। तुम। नहीं तुम। तुम। अरे नहीं तुम। अच्छा तो हम दोनों ही मिलकर करेंगे। हुक्म मेरे आका। अभी आपने राजकुमार दाग की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे विष्णु दत्त जोशी। ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।